हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं फ्लाई व्हील के बारे में। तो ये पिक्चर में जैसे आपको दिख रहा है कि बड़ा सा व्हील है ना, ये भाई साहब फ्लाई व्हील होता है। ये पुराने इंजन की एक पिक्चर है, लेकिन आजकल के टाइम में जिस तरह से फ्लाई व्हील देखता है वो आप देखेंगे। इस पिक्चर से आपको समझ आ जाएगा। देखिए, हमारे पास होता है कि इंजन, इंजन में जितने भी सिलेंडर हैं, हम फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हमारे पास यहाँ पे फ्लाई व्हील लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इस पिक्चर से आपको समझ आ जाएगा। तो इस पिक्चर से भी आपको समझ आ जाएगा, इसमें आप देखेंगे एक्चुअल में फ्लाई व्हील किस तरह का दिखता है। ये देखिए, इस तरह का हमारे पास एक्चुअल में होता है। इसमें स्प्रिंग, बहुत सारी चीजें होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं, आज हम वर्किंग के बारे में समझेंगे कि वर्किंग क्या है। और यहां पे भी देखेंगे, कहीं भी किसी जनरेटर में देख लीजिए, ऐसी कोई प्लेट गोल दिखी हो आपको, तो ये फ्लाई व्हील होता है, ये फ्लाई व्हील होता है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, तो आपको इजी समझ आएगा, नहीं तो पहले वो देख लीजिए। एक बार क्विक से आपको बता देता हूं। देखिए, हमारे पास इस तरह से एक पिस्टन है, सिलेंडर एलिमेंट है। इसमें हमारे पास पहला स्ट्रोक होता है सक्शन। तो सक्शन के दौरान हमारे पास इनलेट वॉल्व ओपन होगा, ये है स्पार्क प्लग, ये है आउटलेट वॉल्व। इनलेट वॉल्व ओपन होगा तो यहाँ पे सक्शन होगी, तो हमारे पास एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आएगा। लेकिन ये काम किसने करना है? हमने हमने पिस्टन को नीचे खींचना है। मतलब समझ रहे हो, इंजन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अब करेंगे कंप्रेशन। ये भी काम किसने करना है? हमने। ये सारा काम हम कर रहे हैं। अब जो है स्पार्क प्लग एक चिंगारी देगा और यहां पे आग जलेगी और धमाका होगा, तब हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा, तब इंजन हमें पावर देगा। पहले सक्शन में हमने उसको पावर दी, कंप्रेशन में हमने दी, पावर स्ट्रोक में पावर दी इंजन ने पहले नहीं दी। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक तो अगेन भाई साहब हमें फिर से काम करना पड़ रहा है। बात समझ रहे हो, हमें फिर से काम करना पड़ रहा है। सक्शन में हमें काम हमने काम किया इंजन के ऊपर, कंप्रेशन में हमने काम किया, पावर स्ट्रोक में सिर्फ पावर उसने दी, इंजन ने पावर दी बाहर, लेकिन बाकियों में पावर नहीं दी। तो देखिए, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसमें पावर रिक्वायरमेंट कब कितनी होती है। तो सक्शन में आपने देखा कि पावर इंजन को हमको देनी पड़ती है, हम इंजन को पावर देते हैं, तो सक्शन के दौरान हम इंजन को पावर देनी, इसलिए नेगेटिव है। उसके बाद कंप्रेशन में और ज्यादा हमें जोर लगाना पड़ता है इंजन को, भाई दबा इसको, हम उसके ऊपर जोर लगाते हैं, तो हमारे पास क्या है कि वो कंप्रेशन में और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इंजन को। लेकिन एक टाइम आता है जब वो हमें पावर देगा, वो कौन सा? वो हमारे पास होता है पावर स्ट्रोक, वो होता है पावर स्ट्रोक। और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक में अगेन हमें उसको पावर देनी होती है। तो आपने देखा कि हमें जो पावर मिल रही है वो सिर्फ इसमें मिल रही है, वो सिर्फ इस इतने एरिया में मिल रही है, बाकी में हमें उसको पावर देनी पड़ रही है। तो भाई ये क्या करें, ये काम जो है कि कब किसको पावर कितनी देनी चाहिए, क्या होगा, वो फ्लाई व्हील का काम है। देखिए, ये सिंपल सी एक बात बताता हूं आपको। देखो, सक्शन में हमने पावर दी, कंप्रेशन में हमने पावर दी, पावर स्ट्रोक में उसने पावर दे दी। भाई साहब, वो पावर देता है बहुत ज्यादा। हम अगर एकदम से ऐसे समझ ले कि किसी की बाजू को पकड़ो, आराम से खींचो, फिर आराम से छोड़ो, फिर झटका मार के खींचो, भाई बाजू तोड़नी है क्या उसकी? तो उस झटके को बर्दाश्त करने के लिए, उस एनर्जी को बर्दाश्त करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक फ्लाई व्हील लगा देते हैं। ये कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, साइकिल है ना, साइकिल में आपने देखा होगा। सिंपल से आप लोग एग्जांपल देता हूं कि बड़ा स्टैंड लगा लीजिए उसका, और उसके बाद एक बार पैडल उसको प्रेस कीजिए। एक बार जब आप प्रेस करोगे, पावर स्ट्रोक दोगे, तो आप देखोगे कि आपका जो व्हील है वो अब पैडल को चला रहा है। आपने एक बार पैडल मारा और उस व्हील को चला दिया, लेकिन उस व्हील ने अब कितनी बार उस पैडल को चला दिया। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो हमें जब पावर स्ट्रोक देना है, हमने उस इंजन ने हमें जो पावर स्ट्रोक देना, उसकी पावर को संभाल के रखेंगे एक तरह से फ्लाई व्हील में। फ्लाई व्हील घूमेगा, वो फ्लाई व्हील फिर वापस इंजन को चलाएगा, सक्शन में, कंप्रेशन में और एग्जॉस्ट में वो फ्लाई व्हील हमें एनर्जी देगा। तो ये काम होता है फ्लाई व्हील का। ये कुछ इस तरह से अगर आप समझना चाहते हैं तो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ये कुछ इस तरह से ले लीजिए कि जैसे कुछ काम होते हैं, जैसे बिजनेस ऐसे होते हैं जो पूरे साल नहीं चलते, साल के कुछ महीने ही चलते हैं। अगर हम 12 महीने लगाएं, 12 महीनों में से हमारे पास चार चार हिस्सों में डिवाइड करें, तो तीन 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 महीनों का ये
हमारे पास बन गया, ठीक है, चार हिस्से बन गए। तो पहले 3 महीने हमारे पास कोई काम नहीं आ रहा, हमें हमें कोई काम नहीं मिल रहा, हमारा उल्टा खर्चा चल रहा है। अगले 3 महीनों में हमें कोई काम नहीं मिल रहा, हमें खर्चा चल रहा है, लेकिन यहां इन 3 महीनों में हमें बहुत सारा पैसा मिल रहा है, बहुत सारा पैसा मिल रहा है। और उस पैसे को हम क्या करेंगे, हम एक बैंक में डाल देंगे, एक्स्ट्रा पैसे को जो हमें खर्चा चाहिए, हमें जो खर्चा चाहिए वो तो हम ले लेंगे, हम इससे ले लेंगे, हम क्या करेंगे, इतना हिस्सा तो हम अपना रखेंगे काम के लिए, लेकिन इतना हिस्सा ऊपर वाला जो है वो बैंक में डाल देंगे। क्यों, आगे वाले 3 महीने कौन निकालेगा भाई, ये वाले 3 महीने कौन निकालेगा, ये वाले 3 महीने कौन निकालेगा, यहां से बैंक से निकाल निकाल के हम पैसा लाएंगे। वही काम हमारे पास फ्लाईव्हील भी करता है, वही काम, सेम काम हमारे पास फ्लाईव्हील भी करता है। लेकिन इसका मतलब फ्लाईव्हील का तो एक सोल्यूशन ये मिल गया, लेकिन ये बात जो हो रही है वो सिंगल सिलेंडर इंजन की बात हो रही है। वो किसकी हो रही है, सिंगल सिलेंडर इंजन की, सिंगल सिलेंडर इंजन की। लेकिन हमारे पास अगर मल्टी सिलेंडर इंजन हो, मल्टी सिलेंडर इंजन में हमें ये बेनिफिट मिलता है भाई साहब कि हमारे पास एक क्रैकशाफ्ट को चलाने के लिए चार चार हम यहाँ पे सिलेंडर लगा लेते हैं, चार सिलेंडर लगा लेते हैं। उसमें फायदा क्या मिलेगा, उसमें फायदा ये मिलेगा कि हमें कहीं ना कहीं से तो पावर मिलती ही रहेगी, कहीं ना कहीं से पावर मिलती रहेगी। मतलब क्या है कि ये इस तरह से मैं बना लेता हूँ, एक रफ बना रहा हूं, ठीक है, आपने इसका डायग्राम इसी तरह से आपने बना लेना, थोड़ा साफ बना लेना, मेरे से साफ बनता नहीं है, ठीक है। तो ये मैं क्या करता हूं, यहां पे इस तरह से बना देता हूं, ठीक है, यहां से बना देता हूं, और इसको आगे क्रैंकशाफ्ट जो है सबकी ये जुड़ी हुई है इस तरह से। अब देखिए हमारे पास ये इसमें क्या होगा, एक में अगर सक्शन चल रहा है, इसका फायदा ये होता है कि एक में मान लीजिए सक्शन चल रहा है, दूसरे में कंप्रेशन, इसमें से पावर मिल जाएगी, इसमें से पावर मिलेगी, फायदा मिल गया, इसमें से एग्जॉस्ट चल रहा है, सब में अलग अलग स्ट्रोक चल रहे हैं, इसमें कंप्रेशन चल रहा है, इसमें पावर चल रहा है, इसमें एग्जॉस्ट चल रहा है, इसमें सक्शन चल रहा है। अब पावर कहां मिलगी, दूसरे वाले में पहले ही कम मिली थी, तीसरे वाले अगली बार क्या होगा, अगली बार यहां पे पावर मिल जाएगी और यहां पे एग्जॉस्ट हो जाएगा और यहां पे सक्शन, यहां पे कंप्रेशन। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, हमारे पास यहां पे एग्जॉस्ट, यहां पे हमारे पास सक्शन, यहां पे कंप्रेशन और यहां पे पावर मिल जाएगी। तो आप देखिए हर रेवोल्यूशन में चाहे यहां से पावर मिल जाए, चाहे यहां से मिल जाए, चाहे यहां से मिल जाए, चाहे यहां से मिल जाए, हमें पावर मिल रही है, हमें पावर मिल रही है जब मल्टी सिलेंडर इंजन की बात आती है। तो ये फ्लाईव्हील हमारे पास यहाँ पे बहुत छोटे फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ती है, ना मात्र है। जैसे हमें एक फायदा भी मिलता है कि हमें फ्लाईव्हील की जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों, क्योंकि हमारे पास भाई साहब हर बार पावर मिल रही है। हर बार पावर मिलने का मतलब क्या है भाई साहब, ये कुछ इस तरह से आप बना लीजिए, इस तरह से बना लीजिए कि एक एक के लिए अलग अलग बनाएंगे। मान लीजिए पहले सिलेंडर की बात करता हूं मैं, यहां पे तो पहले सक्शन हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, फिर पावर मिल रहा है और फिर एग्जॉस्ट हो रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट वाले का बनाए, मान लीजिए सेकंड वाले का बनाते हैं, तो पहले कंप्रेशन हो रहा है, मान लीजिए यहां पर कंप्रेशन हो रहा है, फिर पावर मिल रहा है, देखो पावर मिल रहा है, फिर एग्जॉस्ट हो रहा है और फिर सक्शन हो रहा है। फिर हम तीसरे का बना ले, हम अगर तीसरे का बना ले तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, पावर मिल जाएगा, फिर हमें एग्जॉस्ट मिलेगा, फिर हमें सक्शन, फिर कंप्रेशन, और लास्ट हमारे पास चौथे का हम बनाए तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे एग्जॉस्ट आ जाएगा, यहां पे एग्जॉस्ट, सॉरी अच्छा सा कलर यूज कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी बनी रहे इसकी, ओके विजिबिलिटी बनी रहे, तो ये यूज कर लेते हैं, ये देखिए, तो ये मेरे पास एग्जॉस्ट, फिर सक्शन, फिर कंप्रेशन और फिर पावर। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो 4 स्ट्रोक हमारे पास 4 सिलेंडर इंजन है तो ये बनेगा। अगर सिंगल सिलेंडर की बात करें तो पहले वाला डायग्राम बनेगा। तो आपको आई होप कि ये चीज समझ आ गई होगी। तो ये भाई साहब रख, ये कुछ इस तरह से ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये बड़े बिजनेस वाले होते हैं ना, वो नहीं भाई साहब इस तरह से करते कि एक ही बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो 4 बिजनेस चला के रखते हैं, इससे घाटा पड़ेगा, एक दूसरे से, तीसरे, चौथे से फायदा मिलेगा, घर का खर्चा चलेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, पहले से घाटा, दूसरे से, तीसरे से मिल जाएगा, चौथे से घाटा, कोई पड़ा कोई बात नहीं। तो वो 4 बिजनेस इसलिए खोल के रखते हैं कि कहीं 3 से भी घाटा बढ़े तो 4थे से फायदा मिल जाए, हम अपना बिजनेस चलाते रहेंगे। और हम जैसे मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं, एक ही बिजनेस के ऊपर या एक ही काम के ऊपर डिपेंड रहते हैं और हमें बैंक की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है,
टू स्ट्रोक इंजन में हमारे पास फ्लाईव्हील बड़ा होता है या फोर स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील बड़ा होता है, ये आपको रिप्लाई देना है पड़ेगी। ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें।